जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसा लग रहा है ये लुक? ये लुक किया है मैंने इंस्पायर्ड बाय आलिया भट्ट फ्रॉम गंगूबाई। उनकी एक मूवी आ रही है गंगूबाई, तो उनसे ही इंस्पायर्ड होकर मैंने ये लुक को किया है। संजय लीला भंसाली की मूवी है और उनकी मूवी में इस टाइप के लुक्स ही होते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है। बोल्ड आइज, बोल्ड लिप्स और बोल्ड बोल्ड उन्होंने ज्वेलरीज पहने हैं इस लुक में। तो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगेगा। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उन सभी से इस लुक को क्रिएट किया है। और मेरे पास उन्होंने रेड रोजेज भी लगाए हैं, बट मेरे पास रेड रोजेज नहीं थे और कोका भी नहीं था, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया उसे। बट मेरे पास जितना भी है मैंने इस लुक को कंप्लीट करने की कोशिश की है। सो इफ़ यू लव दिस लुक देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और चलिए देख लेते हैं ये वीडियो को मैंने किस तरीके से इस लुक को किया है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ विथ स्किन केयर और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ हिप सीरम फ्रॉम गुड वाइब्स। और उसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है ये ब्लू हेवन का प्राइमर। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी ये लैक्मी 925 की प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन। बट ये मेरे लिए शेड लाइट है बहुत ही ज़्यादा, तो मैं इसमें ये वाला फिट मी फाउंडेशन मिक्स करूँगी दोनों को। ओके, सो फाउंडेशन इज़ डन। अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। तो कंसीलर के लिए तो मेरा फेवरेट स्विस ब्यूटी का कंसीलर ही मैं यूज़ करूँगी। फुल कवरेज का कंसीलर है और अगर हैवी आई लुक आप करते हो तो आपको हमेशा फुल कवरेज का कंसीलर ही अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो कंसीलर तो मैंने लगा लिया बट मैं एकदम से ब्लेंड नहीं करूँगी कंसीलर। सबसे पहले मैं करूँगी कॉन्टोर, इसके बाद। तो कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYB की स्टिक, कॉन्टोर स्टिक। इसका शेड बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट ब्लैक है, सॉरी ब्राउन है, तो इसे एज कॉन्टोर आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें बहुत सारा शेड्स अवेलेबल है, कंसीलर, फाउंडेशन, करेक्टर और भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, तो अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। कॉन्टोर हमेशा आपको अपने इसको स्लिम और चिजल दिखाने के लिए कॉन्टोर आप करते हो, तो कॉन्टोर करने के लिए हमेशा आपको इस तरीके से 3 बनाना होता है फेस पे और इस साइड से भी। तो ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा दिखता है और नोज को भी करना है आपको कॉन्टोर। अब मैं अपने फेस को करूँगी सेट और फेस को सेट करने के लिए आपको हमेशा कोई कॉम्पैक्ट या तो फिर पाउडर यूज़ करना होता है, लूज पाउडर। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है ये ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिश पाउडर। इससे मैं अपने फेस की बेकिंग करूँगी, ब्रश से बेकिंग करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से ना बिल्कुल अच्छे से बेकिंग नहीं हो पाती है, इसलिए ब्रश से ठीक से हो जाती है बेकिंग। मैं ब्रश से ही बेकिंग करूँगी। सो मेरे फेस का बेकिंग भी हो गया है और नेक्स्ट जब तक मेरे फेस में बेकिंग हो रही है तब तक मैं अपने आई मेकअप में कर लेती हूँ। तो उसी पाउडर से मैं अपने आई बेस को भी सेट करूँगी, अलग से कोई भी कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, उसी लूज़ पाउडर से सेट करूँगी। लूज़ पाउडर आप बेटर देन कॉम्पैक्ट इसीलिए। ओके, सो आलिया भट्ट का लुक यहाँ पे जिस तरीके से दिख रहा है ये है उनका लुक इंस्पायर्ड जो मैं कर रही हूँ। और इसमें जिस तरीके से दिख रहा है वो है कि इनका आई लुक सिर्फ कोल है, मीन सिर्फ काजल है इनके आईज़ पे, कुछ भी आई लिड पे इन्होंने लगाया नहीं है अलग से। और इनकी जो लिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, तो जो इनके आईज़ है इसमें मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी ब्राउन कलर की शेड लगाऊंगी और फिर अपने काजल से अपने लुक को कम्प्लीट करूँगी। अपने फुल फेस का मेकअप करने के लिए, मतलब जो रेस्ट ऑफ द मेकअप बचा हुआ है उसे करने के लिए मैं जिस पैलेट को यूज़ करूँगी वो है ये स्विस ब्यूटी की पैलेट, ब्लशर पैलेट।
अल्ट्रा ब्लश पैलेट, उसमें से सबसे पहले ये वाला जो शेड है इसे मैं लगाऊंगी अपने आई लिड्स पे, क्योंकि आईज को डेप्थ मिल जाएगी इससे। इसलिए तो मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से इस कलर को अपने आई लिड पे लगाऊंगी। इसी कलर को मैं अपने आईज के नीचे भी लगाऊंगी, अपने लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज बिल्कुल। वैसा तो काजल ही लगेगा यहाँ पे, बट स्टिल अगर ये कलर लगाऊंगी तो फिर मैच लुक बहुत ही अच्छा आएगा। नेक्स्ट मैं अपने काजल से अपने लोअर और अपर दोनों ही लैश लाइन को फिल करूंगी। सो ये मैं NYBAE द बिग एप्पल ऑफ माई आई यूज करूंगी। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड अफोर्डेबल काजल में से है। अब मैं अपने फिल करूंगी आईब्रोज को, क्योंकि उनके आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा थिक हैं और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, तो नेचुरल वे में मैं थिक करूंगी अपने आईब्रोज को। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी और ब्लश भी अप्लाई करूंगी, हाइलाइटर भी इसी से अप्लाई करूंगी। तो कॉन्टोर करने के लिए मैं ये वाला शेड लूंगी, अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी और एक फ्लफी एंगुलर ब्लेंडिंग ब्रश से करूंगी। हाइलाइटर लगाऊंगी और एक एंगुलर ब्रश से, आप फैन ब्रश से भी लगा सकते हो, बट एंगुलर ब्रश से ना इस टाइप के ब्रशेस में बहुत ही अच्छे तरीके से लगता है। और मैं ये सेटिंग स्प्रे सबसे पहले इसमें स्प्रे करूंगी ताकि ये हल्का सा वेट हो जाए, और फिर मैं अप्लाई करूंगी अपना हाइलाइटर को। वेट कर लेते हैं ना तो हाइलाइटर बहुत ही अच्छा आता है, पिक बहुत अच्छा होता है। और लिटिल बिट नोज पे, ब्रिज पे, क्यूपिड्स बो, चिन। मैं सबसे पहले ये वाला स्टे कोके के लिपस्टिक लगाऊंगी। एट द लास्ट मुझे याद आया कि मैंने मस्कारा नहीं लगाया है, तो मैं मस्कारे के लिए यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा। कोटिंग के लिए इट्स वेरी गुड, तो मैं इसी से ही अपने लैशेस को कोट करूँगी। आलिया भट्ट ने इस लुक में कोई भी फॉल्स लैशेस नहीं लगाया है, सो इसीलिए लैशेस, उनके लैशेस काफ़ी ज़्यादा फुलर लग रहे हैं, बट उन्होंने लैशेस नहीं लगाया उन्होंने। इनके इस साइड पे एक मार्क है और एक बहुत बड़े से बिंदी इन्होंने पहना है। इतना बड़ा बिंदी एक्चुअली मेरे पास है नहीं, बट मैं लिपस्टिक से बिंदी को करूंगी और आईलाइनर से एक मार्क यहाँ पे बनाऊंगी जो इनका बना हुआ है यहाँ पे। सो बिंदी के लिए मैं ये स्टे कोकी की लिपस्टिक यूज करूंगी और इसी से मैं बिंदी बनाऊंगी। तो मुझे पता है मैं मेस कर दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा चीज़ों को मेस कर देती हूँ, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी बना नहीं पाती इन सब चीज़ों में, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बट स्टिल आई विल ट्राई। वाला
वाला लैक्मी की आई लाइनर से मैं इस साइड पे मार्क है आई थिंक सो इस साइड पे जहाँ पे भी इनका मार्क है मैं ड्रॉ करूँगी मार्क. मार्क इज ऑल्सो डन, कुछ इस तरीके का मार्क है उनके फेस पे और इसी साइड पे मार्क है. और मुझे बिंदी ना थोड़ी सी लाइट लग रही है, मतलब मरून कलर की उनकी बिंदी है, तो मैं इसी कलर को वापस से इसी में प्लेस कर दूंगी तो मरून हो जाएगा वो भी. इस लुक में आलिया भट्ट ने मिडल पार्टीशन किया है और कर्ल्स है, कर्ली है उनके हेयर्स और उन्होंने बन पहना हुआ है, तो मैं उसी तरीके से रेडी होंगी. ये तो मैं ये वाला बन यूज़ करूँगी पीछे अपने हेयर्स को फुलर दिखाने के लिए, तो मैं अपने हेयर स्टाइल को करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से. दिस इज़ द फाइनल लुक. आई होप आपको ये लुक बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो. मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.